चेकपोस्ट? अब क्या करें बचुआ? सारे हथियार छुपा दो। जो जो, फोन करो। Hide all the weapons. Yes, sir. Hide your weapons. ये सारा केबिन खाली क्यों है? मैं देखता हूं। Well done, boys. Well done. Kya baat, Vicky. प्रताप साहब, मैंने वीरेंद्र और उसके सारे साथियों को मारने का अपना वादा पूरा कर दिया। पूरा नहीं, आधा। मेरी वो फाइल कहाँ है जो वीरेंद्र के पास थी? वो भी आपको मिल जाएगी। पहले आप प्रीति का हाथ मेरे हाथ में देने का अपना वादा पूरा कीजिए। बोलिए कब? दुल्हा दुल्हन जब चाहें। Major Vijay Malhotra reporting, sir. Come, sit down. Thank you. Yes, Vijay. Sir, पिछले महीने बॉर्डर पोस्ट पर हथियार ले जाने वाले ट्रक का एक्सीडेंट और आर्म्स डिपो में लगी आग की इंक्वायरी का जो टास्क आपने मुझे दिया था, मैंने उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली। So what's the outcome? सर, पता चला है कि कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी जिसका मकसद था हथियारों की चोरी। इसका मतलब इस रैकेट में हम में से कुछ लोग शामिल हैं। ये केस हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपना होगा। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कल जो हथियारों से भरा ट्रक जाने वाला है, उसे बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी जाए। अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो हथियारों के लुटेरे बेनकाब हो जाएंगे। ओके। पापा, ये प्लेन उड़ता क्यों नहीं है? हाँ? बड़े बुर्बक है भाई हमारे बेटे। अरे खिलौना कभी उड़ता है का? तो मुझे उड़ने वाला प्लेन दिला दो ना। अरे आप बड़े तो हो जाइए जी, फिर देखिए लोगों के पास इतना कार नहीं होगा जितना आपके पास हवाई जहाज होगा। जाइए, फिलहाल इसी से काम चलाइए, जाइए। हाँ, इसके दिमाग में ऐसी बातें भरने की जगह अगर ABCD भरते तो आज कम से कम अपना नाम लिखना तो सीख जाता। अरे सीख लेगा जी, ABCD कौन सा इंडिया छोड़कर जा रही है। लेकिन उसकी उम्र तो जा रही है, इतना बड़ा हो गया है। ना आपने कभी उसे कोई किताब दिखाई, ना उसने कभी कोई स्कूल देखा। आपको जरा भी फिक्र नहीं होती इस बात की? अरे भाऊजी, जितना पैसा पढ़ाई में खर्च करोगी उतने की दो चार भैंस खरीद लो। दूध मलाई खाए के बचवा हमार जैसा पहलवान हो जाएगा और भैया जैसा विद्वान हो जाएगा, तुम बिलीव नहीं करोगी। का हुआ बलदेव? बड़ भैया, DK साहब एक अर्जेंट मीटिंग बुलाए। ये काय की मीटिंग है जी? ये तो हम पूछा नहीं, बस इतना मालूम है कि सबको बुलाए हैं और सुबेदार प्रताप सिंह भी आ रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पिछली बार जो DK साहब को हथियार पहुंचाए थे उसके पैसे का क्या हुआ? अरे दिए हैं ना, ये पेटी भर के दिए हैं। ये कितना है रे? बड़ भैया, इतना गिनती तो हम नहीं जानता हूँ,
तुम कहो तो वजन करके देख लेते हैं, पेटी के साथ 7-8 किलो तो होगा जरूर। अरे नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। तुम जाकर नुक्कड़ पर इंतजार कर, हम कपड़ा बदल कर आता हूं। हाँ। आप वही ड्यूटी कर रहे हैं ना जिसके लिए सरकार ने आपको ये वर्दी दी है? अरे तुमको नहीं मालूम काजी, ड्यूटी ही तो कर रहा हूं। कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हो। पहले 3,000 रुपए हर पहली तारीख को आ जाते थे, अब किसी भी तारीख को लाखों रुपए आ जाते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों, क्या कमी है हमारी जिंदगी में? का जाहिल औरत है भाई, हम जीना चाहता हूँ, ऐश करना चाहता हूँ। अपने देश को बेचकर? तो तुम क्या चाहती हो, जीवन भर बंदूक उठाए घूमता रहूं और एक दिन दुश्मन की गोली छाती में लेके मर जाऊं? अरे विधवा होने का बहुत अरमान है का? वो विधवा सुहागन से ऊंची होती है जिसका पति देश के आन पर शहीद होता है। मैं आपको गोली खाकर मरते तो देख सकती हूँ, आपके माथे पर गद्दारी का दाग नहीं देख सकती। शांति, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे साथ वफा भले ही ना करो लेकिन वतन के साथ गद्दारी करोगे तो कभी माफ नहीं करूंगी। हमका सिखाने की कोशिश मत कर, पैसा के लिए हम बीबी को भी छोड़ सकता हूँ। भैया सुबेदार प्रताप सिंह जी आ गए। क्या हुआ सिन्हा, हमेशा तो डीके लूटने के बाद हथियारों की डिलीवरी लेने आते थे, आज अचानक लूटने से पहले कौन सी मीटिंग करने आ रहे हैं? हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कल तुम लोगों के चार्ज में जो हथियारों का ट्रक बॉर्डर पर जाने वाला है उसे तुम लोग आसानी से नहीं लूट सकते। क्यों? क्योंकि तुम पर एक और इंचार्ज आ रहा है, मेजर विजय मल्होत्रा। ये खबर आपको कहां से मिली सर? हमारे चौथे पार्टनर जसवंत दलाल से, जो मेजर का ड्राइवर है। मेजर विजय मल्होत्रा तो बहुत सख्त ऑफिसर है, उसके रहते हुए टेरक तो का एक ठोक कीला ना ही निकाल सकते। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ट्रक में लेटेस्ट और हाथों हाथ बिकने वाले 10 करोड़ के हथियार हैं। हम चारों पार्टनर्स को 2.5-2.5 करोड़ मिल सकता है। 2.5 करोड़? चाहे कुछ भी हो, हम उन हथियारों को हासिल करके रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन। और टैंकों से खेलने वाले फौजी पुलिस के तमंचों से डरा नहीं करते मिस्टर तीनो। या कमाल है यार, मैं इतने चुपके से आया फिर भी तुझे पता चल गया। और क्या, हम फौजियों की 2 नहीं 4 आंखें होती हैं। अरे भाई साहब आप। नमस्कार भाभी जी। आज ये अचानक कैसे आना हुआ? श्री दिनेश कपूर, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, दिल्ली से सीधा आप लोगों के पास एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। सुना दीजिए। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले आपके हाथ का बना हुआ बढ़िया सा अच्छा सा नाश्ता, उसके बाद खुशखबरी। डन। खुशखबरी यह है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और 4 रोज के अंदर मुझे मुंबई में ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाभी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इसी खुशी में हम लोग आज शाम की फ्लाइट से शिमला जा रहे हैं। ये रहे फ्लाइट के टिकट्स, मिस्टर विजय मल्होत्रा, मिसेस गीता मल्होत्रा, मास्टर राजू मल्होत्रा एंड मिस्टर दिनेश कपूर।
यार दिनू, हम लोग नहीं जा पाएंगे। देख, मैंने राजू को प्रॉमिस किया था कि वो फर्स्ट आएगा तो हम सब लोग हिल स्टेशन जाएंगे। आज जो कंसाइनमेंट के ट्रक्स बॉर्डर जाने वाले हैं उनका इंचार्ज मैं हूं। तो ठीक है, उसका चार्ज तो किसी और को दे दे। अगर ये चार्ज ऑफिसर ने दिया होता तो मैं किसी और को सौंप देता। मेरे दोस्त, ये असाइनमेंट मैंने खुद मांग कर ली है। यार तूने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आज ही मुंबई चला जाता हूँ। जसवंत लाल रिपोर्टिंग सर, जीप तैयार है सर। तुम रुको, मैं आ रहा हूं। ड्राइवर, गाड़ी पीछे ले। सर, ये ट्रक क्यों रुक दिया? सर, डिफरेंशियल का ऑयल लीक हो गया, इसलिए भील जाम हो गया। मैं हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हेलो, हेलो, वायरलेस को क्या हो गया? सुबेदार साहब। सर, यहां इस ट्रक की सिक्योरिटी के लिए आपके साथ कुछ जवान रुकेंगे। सर, बाकी ट्रक्स और जवान मेरे साथ आगे चलेंगे। पासी की चौकी से मदद लेकर आता हूं। सर, कोई शक? नो सर। ज़ादों, यह हथियार किसी राजा की तिजोरी में जमा सोने से नहीं बल्कि 90 करोड़ हिंदुस्तानियों के खून पसीने से कमाए पैसों से बनवाए जाते हैं। देश की रक्षा करने की शपथ लेकर देश को लूटने वालों, तुम्हारे जिस्म पर इस वर्दी का होना इस वर्दी का अपमान है। हमें अरेस्ट करके आपको 2-4 तांबा पीतल के मेडल के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। हमारा पार्टनर बन जाओ, हम आपको आधा हिस्सा दे देंगे। तुम मुझे खरीदना चाहते हो, बास्टर्ड? बिकता कौन नहीं है मेजर साहब, सब बिकाऊ हैं, सब खरीदे जाते हैं। फिर ऐसे माहौल में हम फौजी ईमानदार बनकर क्या कर लेंगे? खामोश! अकेले हम फौजियों की ईमानदारी से ही तिरंगे की आबरू बची है, वरना देश का वजूद मिट जाता। सूरज के आकाश में डूबने से लोग नहीं सोते, सरदों पर जब हम जागते हैं तब देश चैन की नींद सोता है। अगर हम ही अपने फर्ज और जमीर का सौदा कर बैठे तो तिरंगे की जगह किसी और रंग का झंडा आ जाएगा। यू आर अंडर अरेस्ट। Hey!
सर, ऑस्ट्रेलिया से इंटरपोल का फैक्स आया। फौरन एसीपी दिनेश कपूर को मैसेज दो, मुझे अर्जेंट मीटिंग करनी है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। जसवंत दलाल रिपोर्टिंग सर। ये जसवंत दलाल है। ऑस्ट्रेलिया इंटरपोल से खबर मिली है कि दुनिया में गैर कानूनी ढंग से हथियारों का बिजनेस करता है और ये आज स्ट्रेट फास्ट कार्गो शिप से मुंबई आ रहा है। अगर हम उसे पकड़ लें तो यहाँ गैर कानूनी ढंग से हथियारों का बिजनेस करने वालों के बारे में हमें उससे पता लग सकता है। मैंने ये सीक्रेट मीटिंग इसलिए बुलाई है कि इसकी खबर बाहर किसी को ना होने पाए, वरना जसवंत से जुड़े हुए लोग जिन्हें उसके पकड़े जाने से खतरा हो सकता है उसे खत्म करवा देंगे। मिस्टर कपूर, जसवंत को पकड़ने का ऑपरेशन आपके अंडर में होगा और हमें वो हर हाल में जिंदा चाहिए, जिंदा। ओके सर। फैक्स मिला? मिला। पुलिस को यह आदमी जिंदा चाहिए। तुम्हें क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। एक बात का ध्यान रखना, जसवंत किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ में नहीं आना चाहिए। पर हाँ, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ठीक है। Is everything ready? Yes, sir. जसवंत भाग नहीं सकता। शिप के चारों तरफ वर्कर से ज्यादा पुलिस के आदमी हैं। सर, जसवंत आ गया है। मूवमेंट शुरू करूं? Yes. मुझे किसे खतरा है? जिससे हर मुजरिम को होता है जो बाहर घूम रहे हैं वो वर्कर्स नहीं, पुलिस है। पुलिस? पुलिस वालों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं, जूतों से होती है। अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ओके। सर, जसवंत कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहां कोई नहीं है सर।
हेलो सर, जो कंटेनर बाहर आ रहा है जसवंत उसी में है, उसके साथ एक आदमी और है। सर अगर आप ऑर्डर दें तो कंटेनर को घेर ले। हेलो हेलो यस ऑल यूनिट अलर्ट, जो कंटेनर बाहर आ रहा है उसे चारों ओर से घेर लो। कंटेनर रोको, रोक दो कंटेनर। कंटेनर नीचे लाओ। कोई गोली नहीं चलाएगा, हमें ये जिंदा चाहिए। यहां तक मैंने वो किया जो तुमने कहा, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। गाड़ी रोको, रोको। आउट, कम ऑन। हाथ ऊपर, अप, मूव। गुड, तुम आदमी काम के हो लेकिन मेरा उसूल है काम खत्म आदमी खत्म। मेरा उसूल है आदमी खत्म काम खत्म। सॉरी, नहीं वो किलर चाहिए। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बाहर जाने के सारे रास्ते सील कर दीजिए, और याद रहे वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? एक मिनट का रोड प्लीज। yes. आप हिंदुस्तानी हैं? आपने मुझे पहचाना? नहीं नहीं अभी नहीं 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 पहचाना। आप रोने क्यों लगे? ये बहुत दुख भरी कहानी है भैया। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इंडिया में। मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन, मैं मोहन, वो बाएं था मैं दाएं था, और बीच में तुम्हारी माँ थी? नहीं, बाप था। हम तीनों खुशी खुशी जा रहे थे तो अचानक वो मेरी बैग लेके भागा। कौन, बाप? नहीं, चोर। ओ।
मैं कुछ नहीं कर सका, मैं चिल्लाया बापू, वो बैग लेके भाग रहा है, वो भी उसके पीछे भागा। कौन बाप? मेरा भाई। चोर आगे था, मेरे भाई पीछे था, चोर आगे मेरे भाई पीछे, दोनों भाग रहे थे, मैं चिल्ला रहा था और वो धड़ाम से गिर गया। तुम्हारा भाई? मेरा बाप। वो पिया हुआ था, पुलिस ने आकर उसको पकड़ लिया। चोर को? मेरे बाप को, और उसे मारने लगे। पर तुम्हारे बाप को क्यों मारने लगे? वो उन्हें चोर समझ रहे थे, इतने में वो भाग गया। चोर? मेरा भाई, तब से उसको आज तक ढूंढ रहा हूँ। चोर को? नहीं, मेरे भाई को। कमाल है, लेकिन आपका भाई इंडिया में खोया, आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, खोया होता तो बात अलग थी ना, वो तो मौका देख के भाग गया है। और उसे कोई ज्यादा शौक नहीं था, सिर्फ दो ही शौक थे, एक तो कंगारू देखने का और एक पॉकेट मारने का। अब आप ही बताइए, पॉकेट मारने के लिए ट्रैम से कोई अच्छी जगह है? इसलिए मैंने ये ट्रैम कंडक्टर की नौकरी कर ली, सोचा कभी न कभी यहाँ पॉकेट मारने आएगा और उसे देख लूंगा और उसे मिल लूंगा। आ गया तुम्हारा भाई? तुम्हारा स्टेशन। सुनिए 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 सुनिए, अगर वो नालायक जिसकी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, अगर वो मिल जाए ना, तो ये दे देना मेरा कार्ड। कौन? चोर को? मेरे भाई को, सोहन को। भेजा घुमा दिया मेरा यारी साथ भी ने। He's turning my head. What, me? No, मेरे बाप। ही आएगा एक दिन वो मेरे सामने।
आज के वैलेंटाइन डे के फंक्शन में मिस वैलेंटाइन कौन बनेगी? मैं ही बनूंगी। हंसती क्या है? Oh my God, accident! Oh shit! Oh my God, my tail light, my tail light! हाँ ये मेरी नई गाड़ी थी। प्रीति cool down, cool down. Oh God, you! तुमने मेरी गाड़ी damage कर दी? तुम इंडियंस को जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो दूसरे देश में आकर गाड़ी क्यों चलाते हो? अपने देश में जाकर बैलगाड़ी क्यों नहीं चलाते? ओए मैडम, आजकल इंडियंस जेट, हवाई जहाज और स्पेस में रॉकेट चला रहे हैं, और रही बात डैमेज की, तो आपने ब्रेक मारा, आपका ब्रेक लग गया, मैंने मारा नहीं लगा, जरा सी बात है। ये जरा सी बात है? चलो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि विक्की उसका नुकसान नहीं दे सकता। बोलो कितना हुआ? 50, 100, 200, 300, 400, 500? तुम भी क्या याद रखोगी? किसी रईस हिंदुस्तानी से तुम्हारा पाला पड़ा था। ये लो। थैंक यू। यू लोफा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? कपड़े रीटा के और बातें सीता की। पुलिस 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 पुलिस। एक्सक्यूज मी मैडम, ये इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है, क्या पंगा ले लिया आपने? बीच सड़क पर गाड़ी रोककर बातें कर रहे हैं? अगर बातें कर रहे हैं तो गार्डन में जाइए, प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, नाचिए गाइए कूदिए, मेरे पापा कुछ नहीं जाता, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। ऑफिसर, हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करके डैमेज किया है, देखिए प्लीज अरेस्ट हिम। तो आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। प्रीति क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है? ऑफिसर, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये इससे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, ओके? आई विल सी यू। कब और कहां? शट अप। ये तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? है। जुड़वा? हाँ। बचपन में कुंभ के मेले में खो गया था? हाँ। अरे मैं उसे मिल चुका हूँ। कहाँ? जानते हैं, वो ट्राम कंडक्टर बन गया और तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे वो ट्राम कंडक्टर मैं ही हूँ, मोहन। आप सोहन की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि वो पॉकेट मार से तरक्की करके कार चोर बन गया होगा, और किसी की कार चोरी करके सिग्नल तोड़ के भागेगा, और मैं उसे पकड़ लूंगा। यही सोच के मैं ट्रैफिक पुलिस बन गया। हे भगवान, ये कुंभ मेला तूने क्यों बनाया? क्या? नो 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 ये 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 प्लीज गो 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 ये कम 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 चल 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 फ्रेंड्स, टुडे इज वैलेंटाइंस डे, यानी के प्रेमियों का दिन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर साल हम इंडिया क्लब में मिस्टर वैलेंटाइन और मिस वैलेंटाइन चुनते हैं, और इस साल की मिस वैलेंटाइन है मिस प्रीति। कांग्रेट्स, थैंक्स। प्रीति प्लीज कम अप, वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अब फ्रेंड्स, आप में से जो प्रीति के 3 सवालों का जवाब देगा उसे मिस्टर वैलेंटाइन चुना जाएगा, और उसे मिस वैलेंटाइन के साथ डांस करने का और इनके खूबसूरत हाथ को चूमने का मौका दिया जाएगा। क्वाइट 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 प्लीज। प्रीति की एक छोटी सी शर्त और है, अगर आप इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो चूमने के लिए इनके हाथ नहीं, इनकी खूबसूरत सैंडल होगी। क्या हुआ? क्या आप में से कोई भी इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता? मैं जवाब दूंगा। विक्की, गिव हिम अ बिग हैंड। ओए पंगा बातले पापे, कहीं हार गया तो सैंडल चुमनी पड़ेगी। ओ फिकर ना कर पापे, जो ऊपर से नीचे तक चूमने के लिए हो उनका सर क्या और पांव क्या। सवाल पूछिए। हाँ तो पहला सवाल, प्रीति का मनपसंद फल यानी कि फ्रूट कौन सा है? वैसे तो दुनिया का सबसे मीठा फल मेहनत का होता है, लेकिन अपनी ये मिस वैलेंटाइन तो मेहनत से मीलों दूर है, इसलिए इनकी पसंद का फल आम संतरा या मौसम्बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें खाने के लिए छीलने की मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इनकी पसंद का फल वो है जो सीधा मुंह में डाला और कप, यानी कि अंगूर। राइट, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और अब दूसरा सवाल, प्रीति का फेवरेट स्पोर्ट यानी कि खेल कौन सा है? अब जैसा आदमी का नेचर होता है उसे वैसे खेल पसंद आते हैं,
और इनका नेचर तो लड़ाई झगड़ा और मारपीट का है, इसलिए इन्हें WWF की कुश्ती पसंद है। खूब, बहुत खूब। This is the right answer. Thank you, thank you. इनसे कहो सीधा सीधा जवाब दे, घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? ओए घुमा फिरा के देता है तो क्या हुआ? देता तो सही है ना? Next, please. और अब आखिरी सवाल, प्रीति को दुनिया के सात अजूबों में से कौन सा अजूबा सबसे ज्यादा पसंद है? माफी चाहता हूँ लेकिन ये जवाब भी मुझे कुछ घुमा फिरा कर ही देना पड़ेगा। हाँ हाँ चलेगा। इन्हें जो अजूबा पसंद है वो इनकी समझ से बिल्कुल अलग है। ये खुद तो प्यार के नाम से भी नफरत करती हैं और पसंद उस अजूबे को करती हैं जो प्यार की निशानी है, यानी सिंबल ऑफ लव, ताजमहल। एंड ही इज राइट। इस साल के मिस्टर वैलेंटाइन है मिस्टर विकी। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मिस वैलेंटाइन ने तो तीन मामूली से सवाल पूछे, वैसे आज वैलेंटाइन के दिन सवाल ही पूछने थे तो दिल जिगर जान के पूछती तो मैं वो भी बता देता कि इनके दिल में क्या है। माय फुट। देखो, तुम्हारे सीने में जो दिल है वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी दिल आवारा नहीं होता। ये चाहता तो सारी दुनिया को है लेकिन मिटता किसी हिंदुस्तानी पर है। आज के वैलेंटाइन डे में आप सब शामिल हो सकते हैं। कम ऑन प्रीति, कम ऑन विकी। चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले, देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। चलने चलने दिल पे चलने चलने
मेरा यार बल्ले बल्ले, दिलदार बल्ले बल्ले, इनकार बल्ले बल्ले, इकरार बल्ले बल्ले। देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा। ओ नहीं ओ नहीं ओ मैंनू दिल तेरा नहीं ओ चाहिदा। ओ तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा। ओ नहीं ओ नहीं ओ मैंनू दिल तेरा नहीं ओ चाहिदा। देख रहा शीतल, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना। इतना हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। बकवास मत कर शीतल, उसने मेरे तीन सवाल का जवाब कर दे दिया, तू उस गवार को इंटेलिजेंट समझने लगी। कमाल कर दिया उसने, उसने तो वो बातें भी बता दी जो मैंने नहीं बताई थी। क्या ये सारी बातें तूने उसे बताई थी? गुड लक। वेटर। यस सर। टेबल नंबर 7 कौन सा है? टेबल नंबर 7 वो है, लेकिन साहब उस पर बैठना मत। ये ले तेरी पेप्सी। थैंक्स। आई एम सॉरी सर। तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? हाँ। जुड़वा? हाँ। बेचारा न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है तुम्हारे लिए। कहाँ है वो? ट्रैफिक हवलदार बन गया वो। अरे वो मैं ही था। पर तुम तो पुलिस में थे। पुलिस में था, वो नौकरी करके भी देख लिया, मगर मोहन का सोहन से कोई मिलन नहीं हुआ। फिर ये वेटर बन गया मैं। उसे एक चीज का बहुत शौक था, मुद्रा सुनने का, और यहाँ तो अंग्रेजी मुद्रा चलता है, इसलिए मैं नौकरी कर ली। मैं ये सोच रहा हूँ कभी ना कभी वो यहाँ आएगा और मेरी मुलाकात। नहीं, 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 आप प्लीज इस टेबल पर बैठिए प्लीज। पिंकी, आप किसी और टेबल पर बैठ जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पागल यहाँ पे आ गया? कहीं तूने तो इसे नहीं बताया था कि हम यहाँ आने वाले? तेरी कसम मैंने इस बार कुछ नहीं बताया। आप इस टेबल पर इसलिए नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये जोजो की टेबल है। कौन जोजो? अरे शहर के सबसे खतरनाक आदमी का बेटा, वो हमेशा हंसता रहता है। ऐसा कुछ? हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब उसकी हंसी रुक जाती है ना तो लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जब उसकी टेबल पे कोई और बैठ जाता है ना तो उसकी हंसी एकदम से रुक जाती है, फिर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ये होता है ये। और इनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि ये लोग इस टेबल पर बैठ गए थे, बस जो जो ने देखा और इनको मार फाड़ कर कटपीट बना दिया। आइडिया शीतल। हाँ। इसको पिटवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे रहने दे, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ उल्टा हो जाए। और अगर मैंने उसे पिटवा दिया तो? लगी 100-100 की शर्त? लगी। यस। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जैसे अच्छे आदमी का फोटो इसमें लगे। मेहरबानी करके यहाँ से उठ जाओ, मेरे बाप वो आगे दौड़ पड़ करेगा। हाय विकी। मेरी बात सुनो। क्या?
क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? May I join you, please? हाँ हाँ बैठिए बैठिए। आप यहाँ कहाँ ज्वाइन हो रही है मैम साहब? अरे इस टेबल पर जो ज्वाइन होता है उसके सारे जॉइंट्स निकल जाते हैं। आप किसी और टेबल पर ज्वाइन हो जाइए प्लीज। एक, एक। ये क्या हो रहा है, जानते नहीं कस्टमर्स के साथ कैसे बात की जाती है? ये 7 नंबर टेबल है सर। तो क्या हुआ? ये जोजो की टेबल है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जोजो के आने का टाइम हो गया है, उसका ऑर्डर लेकर आओ। कौन जोजो? जोजो देखिए मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आप यहाँ से प्लीज उठ जाइए, ये टेबल रिजर्व्ड है। अगर ये टेबल रिजर्व थी तो आपको इस टेबल पे रिजर्व की प्लेट लगानी चाहिए थी। आप लोग नहीं जानते जोजो बहुत डेंजरस आदमी है। आप क्या समझते हैं, अगर वो डेंजरस है तो मिस्टर विकी भी डबल डेंजरस है। क्यों विकी? हाँ हाँ डबल क्या, ट्रिपल डेंजरस हूँ। अब तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे जोजो आए या भोभो। Come on, baby, dance! Dance, baby! Excuse me! आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। एक्सक्यूज मी प्लीज, लगता है ना आपकी शक्ल पसंद नहीं आई। ऐसा फंसाया है कि यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। अरे चल चल। ढक्कन निकल गए, बहुत भूख लगी है। शीतल हम जरा ये क्या गए, तुम अपनी औकात पे आ गए। माना कि ये हमें फंसाना चाहती थी, इसका ये मतलब नहीं कि इसे अपने बाप का माल समझकर ले जाओ। Yeah!
तुम्हारी वजह से जो इनका नुकसान हुआ है उसके पैसे दो। आज के बाद तू हंसेगा तो लोग तुझ पे हंसेंगे। ए भाई, होटल के नुकसान के पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन इसके बदले में जोजो का बाप तेरा बहुत नुकसान करेगा। यही तो मैं चाहता हूं। चल चल, उससे मिलते हैं। सुनिए, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो $50 इलाज के लिए। कम है शीतल? हाँ, आजकल महंगाई का जमाना है। कोई बात नहीं, ये आप पूरे 500 रख लेंगे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। ओए मैडम, मैंने आपको जोजो जैसे खतरनाक गुंडे से बचाया, आपके लिए अपनी जान हथेली पे रख के उसके उसके गुंडों से जंग लड़ी, इतना खून बहाया, इतने जख्म खाए, और आप शुक्रिया अदा करने की जगह मेरी इंसल्ट कर रही हैं। कमाल है, काम लोफर के और बातें सोल्जर की। बिल्कुल। ए, जाके अपनी शक्ल आईने में देखो, बड़ा आया सोल्जर बनने। चल शीतल। और हाँ, ये जो टमेटो सॉस है ना, इसे साफ करना मत भूलना। बड़ी खट्टी है। हेलो। हेलो। कौन? वही जो तुम्हारे दिल की हर एक बात जान लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? देखिए, बड़ी मुश्किल से दिल की सारी ताकत जमा करके उंगलियों को दी है ताकि तुम्हारा नंबर डायल कर सके। प्लीज बिना बात के फोन मत बंद करना। ठीक है, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं हमेशा के लिए इंडिया जा रहा हूँ, इसीलिए आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए इंडिया जा रहे हो? हाँ। यस! तो तुम मुझसे आखिरी बार मिलना चाहते हो ना? हाँ। ऑल राइट, ठीक है, आ जाओ। आ गया। ये क्या बदतमीजी है? वो क्या है कि वक्त बहुत कम है ना, इसलिए एक एक सेकंड बचा रहा हूँ। ठीक है, बोलो क्यों मिलना चाहते हो? ये कार्ड देना था। कार्ड? मेरी शादी का। किस बेचारी लड़की की किस्मत फूट रही है? इसकी। तुम इस लड़की से शादी करोगे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ करेगी यही करेगी। लेकिन तुम शादी के लिए राजी कैसे हुए? क्या करूं, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? कहानी में बहुत ट्विस्ट है, तुम कहो तो कहीं बैठ के सुनो। ठीक है। प्रीति, बात यह है कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी दोस्त थे, और मेरे पिताजी के पिताजी और इसके पिताजी के पिताजी भी दोस्त थे, और इसके पिताजी के पिताजी ने मेरे पिताजी के पिताजी से मरते समय ये वादा लिया था कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी की दोस्ती 4 पीढ़ी तक चलाने के लिए मेरी शादी इससे करवा देंगे। अब तुम्हें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी को टाल नहीं सकता, पिताजी को टाल नहीं सकती, ये शादी टाल नहीं सकती, ये तो अटल है, बिल्कुल अटल। समझ गई, फैमिली प्रॉब्लम। अच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? एक प्रेजेंट दे दो। क्या प्रेजेंट चाहिए? अपनी एक हसीन मुस्कुराती हुई शाम दे दो, जिसकी याद
आने वाले जिंदगी के अंधेरे में उजाला फैला दे। बोलो मिलोगी ना? ओके। आदमी नशे में कभी झूठ नहीं बोलता। करेक्ट। बोल ही नहीं सकता। तुम्हें याद है वो सिग्नल पर तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई थी? वो टकराई थोड़ी थी, वो तो मैंने जानबूझकर ठोकी थी। हैं? जानबूझकर ठोकी थी? क्या करता, तुमसे दोस्ती जो करनी थी, दोस्ती के लिए मिलना जरूरी था और मिलने के लिए बहाना जरूरी था, इसलिए और मेरी टेल लाइट डाउन। लेकिन ये दोस्ती करने का तरीका गलत था। करेक्ट। और वो पैसे देने का तरीका तो बिल्कुल गलत था। वो क्या है कि लव का एक्सपीरियंस नहीं था ना भाई। तो ठीक है। अब एक बात मैं भी तुम्हें बताती हूँ। बोलो। होटल लिटिल इंडिया में मैंने तुमको चढ़ाकर जोजो से लड़वाया था। बहुत बुरी बात है। हाँ? वो क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं था ना भाई। फिर ठीक है, बैठो बैठो बैठो। हाँ? मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, उसके लिए सॉरी बोला? नहीं बोला। मैंने भी सॉरी बोला? नहीं बोला। चलो हम एक दूसरे को अब भी सॉरी बोलते हैं। सॉरी। एक मिनट, तुम्हारी कंट्री में सॉरी ऐसे नहीं बोलते। तो फिर कैसे बोलते हैं? ऐसे। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। हैं? अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। चलो हम भी एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। हाँ? रेडी? वन टू थ्री। ठहरो ठहरो, जब दो लोग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? अरे यार, ये किस गलत टाइम पे नाक अड़ाई है? तुम्हें नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछते हैं। अरे भाई साहब, भाई साहब एक बात बताइए, जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? अरे कुछ तो बोलो। माफ कीजिए, मैं इस शहर में नया आया हूँ। कोई बात नहीं, हम किसी समझदार आदमी से पूछते हैं। किथे जाना जी? जाना किथे भी नहीं सरदार जी, सिर्फ एक गल पूछनी है। ओए क्या, 10 पूछो 15 पूछो। जब लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? क्या सोच रहे हो पाजी, ये कोई सरकारी राज थोड़े ही है। वो सरकार ते सरक ही है। ओ मैं नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा कि मेरे 20 साल हो गए शादी नू, आज तक मैंने अपनी बीवी नू सॉरी नहीं बोलिया। मैनू किसा पता लगेगा कि नक क्यों नहीं टकरांदी? और मेरी गल मनो, और तुसी दोनों जड़े है ना, आपस में सॉरी बोल के देख लो, फिर पता चल जाएगा नक क्यों नहीं टकरांदी। मैं भी आज घर जाके बीवी नू बोलांगा सॉरी, और देखांगा नक किथे टकरांदी है, ए फिर गड्डी उठा ही जांदी है। थैंक यू। क्या समझदारी की बात कही है इन्होंने। चलो हम भी एक दूसरे को सॉरी बोल के देखते हैं। ओके। ठहरो, तुम मुझसे सॉरी कैसे बोल सकते हो? क्यों? इसलिए कि सॉरी उसी को बोलते हैं जिससे शादी करते हैं। मैं भी तो उसी को सॉरी बोल रहा हूँ जिससे शादी करूंगा। यकीन नहीं आता तो कार्ड देख लो। आई लव यू प्रीति।
कहाँ गया? जिसकी आंखों में तुम समा चुकी हो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? फिर भी अगर तुम्हें मेरा प्यार मंजूर नहीं तो इसे फाड़ कर चली जाना। मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा, और अगर नहीं तो आंखें बंद करके दिल में कहना आई लव यू। मैं फिर सामने आ जाऊंगा लोफर। लोफर सोल्जर। और अगर नहीं तो आंखें बंद करके दिल में कहना आई लव यू। मैं फिर सामने आ जाऊंगा आई लव यू। Thank you.
जरा जा 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 कोई प्यास ना जगा क्या 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 कोई दर्द उठा क्या तुझे आए कोई जादू मेरा मुझ पे नहीं काबू हे यूं मिला के नजर करके जादूगरी दे के दर्द जिगर आगे पीछे डोल कर सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया प्रीति क्या तुम भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर सोचना क्या चलो अंदर जाके हम भी शादी कर लेते हैं इसके लिए तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी ठीक है तो उनसे भी बात कर लेते हैं कहाँ है वो हेलो हेलो माय डार्लिंग बेटा हाउ आर यू मुझे आपसे किसी को मिलवाना है उसी हैंडसम यंग मैन को ना जो इस वक्त तुम्हारे साथ है कमाल है पापा आपको कैसे पता चला हमें तो ये भी मालूम है कि इस वक्त उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं एक अच्छे पापा की तरह हम तुम्हारी हर खबर रखते हैं किससे मिल रही हो कहाँ जा रही हो और कौन तुमसे मिल रहा है अच्छा ये बताओ तुम आ कब रही हो आज ही पापा आई लव यू टू आओ प्रताप आओ कैसे हो एकदम फिट और तुम बलदेव हमरा का है जी हमारे भैया सलामत रहे हम तो फिट ही फिट हैं आइए आइए कहो काहे मिलना चाहते थे एक बुरी खबर है अरे हम जानता हूँ जी आप यही कहना चाहते हो ना कि जसवंत मर चुका है नहीं उससे भी ज्यादा बुरी खबर है रिपोर्ट मिली है कि उसे खत्म करवाने वाला डीके है डीके बिल्कुल गलत है जी डीके साहब अपने 25 साल पुराने पार्टनर को कभी नहीं मार सकते डीके दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है चलो मान भी लिया कि डीके साहब ने मरवाया तब भी बहुत अच्छा किया अगर वो जसवंत जिंदा पकड़ा जाता तो पुलिस उसे मार मार के सब उगलवा लेती और फिर हमें हथकड़ियां पहना कर ले जाती इंडिया लो समझने की कोशिश करो वीरेन कहीं ऐसा ना हो कि वो हम दोनों को भी खत्म करवा दे अरे हमें खत्म करा देगा तो अमेरिका और यूरोप से हथियार जमा करके उसे इंडिया में कौन सप्लाई करेगा उसका बाप मेरी बात मानो वीरेन डीके के इरादे शुरू से ही ठीक नहीं थे इसलिए तो उसने हमें आज तक अपना पता नहीं बताया वो जब चाहे हम तक पहुंच सकता है लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते तो तुम क्या चाहते हो हम क्या करें इससे पहले कि वो वार करे हमें डीके को खत्म कर देना चाहिए वैसे आइडिया बुरा नहीं है हम चार पार्टनर थे जसवंत मारा गया बचे तीन डीके को हम मारेंगे बचे दो फिर तुम हमारी जान ले लोगे बचे तुम अरे हम कब भवानी गांव का भैया समझा है काजी फूट डालकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन हड़पना चाहते हो इरादे डीके साहब के नहीं हमका तुमरे अच्छे नहीं लग रहे हैं जबान संभाल वरना प्रताप बाबू अपना हाथ संभालिए अगर उंगलियां ट्रिगर पर गईं तो उंगलियां ढूंढते रह जाओगे हम जसवंत नहीं हूं प्रताप सिंह एक तो इतनी आसानी से मरूंगा नहीं
और अगर मर भी गया तो पुलिस डिपार्टमेंट की एक फाइल या अखबार की खबर नहीं बनूंगा। अगर तुम्हारे पास हमरे कामों की फाइल है तो हमरे पास भी तुम्हारे कामों की फाइल है। हमरे मरती हुई फाइल पुलिस में पहुंच जाएगी। क्या बात है जी, हथियार देख के टून बदल दिए, रोने की जगह हंस रहे हैं। भाई मान गए दोस्त, मान गए तुम्हें। हमने डीके को मारने की बात इसलिए कही क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि कहीं जसवंत को मारने में तुम्हारा हाथ तो नहीं। अगर उसे मारने में तुम्हारा हाथ होता तो तुम मेरी बात जरूर मान लेते। तो कहो, कहां नतीजे पे पहुंचे हो? यही कि तुम नहीं बदले दोस्त, वही 20 साल पुराने दोस्तों के दोस्त हो। हम तीन पार्टनर्स को कोई अलग नहीं कर सकता सिवाय मौत के। हाँ, सिवाय मौत के। विकी, वो आइलैंड देख रहे हो ना, वो पापा ने मेरे पिछले बर्थडे पर खरीदा था। और वो देखो, वो वाला आइलैंड, वो सबसे पहले बर्थडे पर लिया था। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पापा हर बर्थडे पर एक नया आइलैंड खरीद डालते हैं। हाँ, और वो भी मेरे नाम पर। ये बात किसी और से कभी मत कहना। क्यों? तुम्हारी उम्र मालूम हो जाएगी। विकी, वो देखो, वो रहे मेरे पापा। हाय। कम माय डार्लिंग, कम कम कम। पापा ये हैं। विकी। वाओ, बिना बताए आपको विकी का नाम भी मालूम पड़ गया। जब ये मीरो दूर से मेरे कपड़ों का रंग जान सकते हैं तो नाम भी जान सकते हैं। बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ नाम ही नहीं, काम भी देखा जाता है। पापा, ये जो भी काम करते हैं कमाल का करते हैं। अच्छा, तो फिर इनका कमाल भी देख लेते हैं। बेटी तुम जरा अंदर जाओ, मुझे कुछ इनसे काम की बात करनी है। ओके। हाँ तो विकी, पहले ये बताओ, जसवंत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें किसने दिया था? तो आप मेरे काम के बारे में भी जानते हैं। खैर, अब मेरे उसूल के बारे में भी जान लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त पैसा देखता हूँ, पैसे देने वाले को नहीं। तब तो तुमने उसे भी नहीं देखा होगा जिसने तुम्हें मेरी बेटी के साथ मोहब्बत का खेल खेलने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। प्रताप साहब, मैं कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खून करने का लेता हूँ, मोहब्बत के खेल खेलने का नहीं। प्रीति और मेरा प्यार कोई खेल नहीं। चलो ये मान भी लिया जाए, फिर भी कोई बाप ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा जिसके हाथ खून से रंगे हों। अगर मेरे हाथ खून से रंगे हैं तो आपके कौन से दूध के धुले हैं? मैं भी आपकी असलियत जानता हूँ, हम दोनों की बिरादरी एक ही है। बिरादरी एक जरूर है लेकिन हैसियत नहीं। जिस बिजनेस में तुम किराए के एक टट्टू हो उस बिजनेस का मैं शेयर हूं। मेरी बेटी के साथ आए हो इसलिए यहां तक पहुंच सके हो, वरना मेरी हिफाजत करने वाले मेरे ये कुत्ते तुम्हारी हड्डियां भी मुझ तक नहीं पहुंचने देते। पहली बार देख रहा हूं कि शेर की हिफाजत कुत्ते करते हैं। मेरी दो बातें सुनिए, आज के जमाने में शेर सिर्फ दो ही जगह हिफाजत से रह सकते हैं, एक सर्कस में और दूसरा चिड़ियाघर में। और दूसरी बात हैसियत की, तो मेरी हैसियत वो है कि मैं आपको उस जगह पर पहुंचा सकता हूं जिसका ख्वाब तो आप 20 साल से देख रहे हैं लेकिन उस तक कभी पहुंच नहीं सकते। मतलब? हेलो। देखा, मैंने अपने दो दांत के बदले में तेरा क्या क्या तोड़ा। अबे ओ पोमेरियन पिल्ले, फोन अपने बाप बुलडॉग को दे। डैड, क्या हुआ? हमको पोमेरियन पिल्ला बोलता है। और हम का बुलडॉग है? बुलडॉग बोला, हम कर रहे फोन।
का रे? हमारा कुत्ता का फैमिली है। अरे तुम हमको मिला नहीं वरना हम तुमको भी तोड़वा फोड़वा कर फेंकवा देते। तुम बिलीव नहीं करेगा हम बहुत हरामी हूँ। जब तुम हमसे मिलेगा ना तुम नर्वस आ जाएगा। हमारा कुत्तों का नहीं टाइगर का फैमिली है। हम लोग भौंकते नहीं है काटते हैं लोगों को कच्चा खा जाते हैं। अबे डर गया क्या? बोलता काहे नहीं है? हेलो अबे सुनाई देता है कि नहीं? अरे हम अपने आप से नहीं बात कर रहा हूँ भाई तुमसे बात कर रहा हूँ। कमाल है हम इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ। अरे भाई हम पागल नहीं हूँ कुछ तो बोलो। टोटल 8,500 प्लस 100% टैक्स। क्या बोला? कुल मिलाकर 17,000 राउंड फिगर 20,000। अबे तू किस फिगर को राउंड और स्क्वायर कर रहा है? ये उस तोड़फोड़ की फिगर है जो तुम्हारा बेटा मेरे घर पर करके गया है। तो तू हमसे रुपया लेगा? रुपए नहीं डॉलर। और सुनो 3:55 पर मेरा बिल तुम्हारे पास पहुंचेगा। ठीक 4 बजे मैं कैश लेने आऊंगा और 4:05 पर चला जाऊंगा। लेन देन का वक्त सिर्फ 10 मिनट का होगा और उस 10 मिनट को तुम बहुत सीरियसली लेना, समझे? क्या हुआ डैड? अरे कुछ नहीं बकवास कर रहा है वो। कहता है 3:55 पर बिल भेजेगा, 10 मिनट में पैसा लेकर चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पैसा देने के लिए बैठे हैं, गधे हैं हम। अरे हाँ सुनो ए भाई, वो हथियार खरीदने वाले आ गए होंगे, जरा उनको यहाँ ले आ, कुछ काम वाम करें। जेंटलमैन, हमारे पास मशीन गन है, मौजर AK-47, AK-56, AK-98, जो अभी तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकली है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सबके 2-2 लाख पीसेस हैं। आपको जितनी गन चाहिए वी विल सेंड यू। नेक्स्ट, ये पाइप गन है। पाइप गन यानी कि नल्ली गन। ये नल्ली फोड़ देती है। हर पाइप गन के आर्डर पर 1 दर्जन हमाम साबुन फ्री मिलेगा। हमाम। अब इन्हें जरा हमारा बम सेक्शन तो दिखाओ। वाओ, गुड आइडिया टू डिस्प्ले बम। अच्छा तरीका है बम का प्रचार करने का। थैंक यू डैड। यस 3:55। 3:55। दिस इज असली बम। दिस इज रियल बम। रन। डैड, फोन की रिंग है डैड। हेलो, डरो मत, वो बॉम्ब नहीं बिल है। अरे तू क्या समझता है हम डर गया हूँ? अरे दिन रात हम ऐसे बम से खेलता हूँ, इसी का बिजनेस करता हूँ। कहाँ है तू? जॉन। जॉन, क्या हुआ डैड? वो नीचे आ चुका है। उसे बोल मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा हूँ। He's coming by lift. क्या? Yes sir. Stop fighting! Stop fighting!
अरे ओ आ शाबाश जोजो शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। हम तो तुझे नालायक समझते थे, मगर तू तू तो बहुत होशियार निकला। तेरी जितनी भी तारीफ करी जाए ना तो कम है। और तू तू हमका बोल डाक कहा था, डाक चाहे काटे या चाटे दोनों ही खतरनाक होता है। हा? हा? इसकी पिस्टल खाली है। हा? हिलना मत, वरना गोली चलेगी कान पट्टी पे और खून कहीं और से निकलेगा। पैसे Sir, nobody's here. Huh? Pomeranian pille! No, no, no! You please send money in half an hour time. Baldev, बहुत बड़ा सौदा हो रहा है। जार्ज को बुलाओ। जार्ज अस्पताल में है भैया। अरे भाई तो रहीम को बुलाओ या कालिया को बुलाओ, वो दोनों भी अस्पताल में है भैया। अरे भाई वो गुरेला भी अस्पताल में है काजी। अनफॉर्चुनेटली भैया वो भी अस्पताल में है। भाई ये सब अस्पताल में क्या कर रहे हैं? किसी की लाश लाने गए हैं या सबको एड हो गया? यू नो टाओ, ये सब वो एक इंडियन छोकरे की वजह से हुआ। पहले तो उसने हमारा दांत जलाया, फिर उसने हमारे आदमी की पिटाई की, और तो और हमको बमरिन कुत्ता कहा और इनको बुलडॉग, और इसके बाद तो उसने कमाल ही कर दिया। कहा क्या उसने? उसने तो डैड की पिटाई की और जितना हमने नुकसान किया उतना ही इनसे पैसा ले गया। साला बेशरम, अपने पिटने की कहानी ऐसे सुना रहा है जैसे परमवीर चक्र लेकर लौटा है। ताऊ वो मामूली छोकरा नहीं है। अरे मामूली नहीं तो का किंग कांग है। हमारी बेइज्जती की कहानी फैल गई तो लौटकर पटना भी न जा सकेंगे। जाओ हमारे निशांची को लेकर जाओ, क्या कहते उसे, शार्प शूटर, और कह देते हैं बिना सूट किए लौटे तो हम सबको सूट कर डालूंगा। जाओ हरामखोर की मां आ रही है, तब तो हवाई अड्डा पर उसको रिसीव करने जरूर जाएगा। तो मैं मारूंगा, गिव मी द गन। ओके अयप, जोजो मार, मार जोजो, पीछे चला गया साला, अब मार। शिट, ये कम्बख्त कहां से आ गया?
आत्मा आ गई। अब मार चुचो, मार चुचो। शांति भाभी, रुक जा चुचो। क्या हुआ डैड? अरे ये तो हमारी शांति भाभी है। इसका मतलब ये हमरे बड़ा भैया का बेटा है, तेरे ताऊ का बेटा। अपना खून है ये, अपना खून। अरे ये खुशखबरी बड़ा भैया सुनेंगे ना तो पटना की सारी जायदाद हमरे नाम कर देंगे। ताऊ सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। शांति, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? हाँ भैया, हम सच कह रहा हूँ। जो लड़का को मारने हम एयरपोर्ट गए थे ना, वही तुम्हारा बेटा है बिक्की। हमारा बेटा? हमारी शांति? हमको तो विश्वास नहीं आ रहा बलदेव, का तू सच कह रहा है? अरे हाँ भैया, जो जो तुम्हें बता तुमने क्या देखा है। ताऊ डैड सच कह रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है एयरपोर्ट पर बिक्की भैया को शांति चाची के पैर छूते हुए। अपना बेटा शांति, आप गलत पते पर आए हैं। यहाँ आपकी बीवी नहीं, विकी की माँ रहती है। अरे जरा ये तो सोचो कि इतने साल बाद परदेश में किस्मत ने हम सबको काहे मिलाया है। इसीलिए न कि हम सब साथ रहूं और बाप के रहते हुए भी एक अनाथ बने बेटे को उसका बाप मिल जाए। अनाथ तो वो होते हैं जिनके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ जाता है, और विकी की माँ तो अभी भी जिंदा है। अब जिद मत करो शांति, आज हमारे पास इतना दौलत है कि हम दुनिया में जो चाहे खरीद सकता हूं। तो जाइए, इस दौलत से एक बीवी और बेटा भी खरीद लीजिए। इस घर में वो लोग नहीं रहते जो दौलत के लिए बिकते हैं। अरे भाभी मान भी जाओ, भैया की तरफ से हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। जो इंसान अपनी धरती मैया की मान मर्यादा को बेच डाले, जो हजारों बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार हो, वो माफी के नहीं सजा के हकदार होते हैं। आप सब जा सकते हैं। शांति, शांति हमारी बात तो सुनो शांति। भैया यही है आपका बेटा भिक्की। बेटा, बेटा तुम हमका नहीं जानता। जानता हूं, मैंने सब सुन लिया है। बेटा, बेटा, बेटा हमसे नाराज मत होना, हम 20 साल से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। मैं भी अपने बाप के लिए 20 साल से तड़प रहा हूं। देखा भैया, अपना खून आखिर अपना होता है। यस ताऊ, ब्लड इज आफ्टर ऑल ब्लड। बस अब किसी तरह शांति भी मान जाए तो। मां की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। अरे बलदेव, बलदेव फौरन एक शानदार पार्टी का इंतजाम कर, हम दुनिया को बताऊंगा कि बीरेंद्र बे औलाद नहीं है, उसके कंधे से कंधा मिलाने वाला उसका बेटा आ गया। वेलकम वेलकम, दिस इज माय सन भिक्की। मिस्टर मार्शल, प्लीज सिट डाउन, एंजॉय योरसेल्फ। आ सिंगानिया साहेब, सिंगानिया साहेब। Yes, मैं। तुम्हारा कोई भाई है? हाँ। जुड़वा भाई? हाँ। कुंभ के मेले में खो गया था? हाँ। अरे तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बेचारा इंडिया से तुम्हें ढूंढने आया है। कहाँ है? कभी ट्राम कंडक्टर बन जाता है, कभी वेटर बन जाता है, कभी कभी बैंड मास्टर बनता है। अरे यार तुमको बार बार वही मिलता हूँ क्या? अरे मैं ही मोहन हूँ। मैंने सोचा मेरा भाई स्मगलर बन गया होगा, यहाँ तो पार्टियां वार्टियां होती रहती है, कहीं ना कहीं मुझे नाचते गाते मिल जाएगा। हे भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? प्ले मैन, या 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 या, एंजॉय योरसेल्फ। अरे आओ प्रताप, आओ आओ, वेलकम वेलकम। हेलो वरेन। अरे बलदेव कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। ये मेरी बेटी है प्रीति। हेलो अंकल। हेलो। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, कहाँ रहती हो? हमने कभी देखा ही नहीं तुम्हें। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ ना, इसलिए अलग रहती हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो,
20 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बीवी और बेटा मिल गया है? कहाँ है वो? शांति तो इस पार्टी में नहीं आ सकी, हमारे बेटे से मिलवाता हूँ। अरे बिकी बेटा जरा यहाँ आओ। Excuse me. ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, झटका खा गए ना हमरा बेटा देखकर। कैसे ना खाते? कल तक प्रताप बाबू हर बात में हमरे बराबर थे, मगर हमार बचवा के आ जाने के बाद हमारी ताकत दुगनी नहीं चौगनी हो गई है। चौगनी नहीं चाचू, झटका तो दुश्मनों को लगता है, दोस्तों को नहीं। और प्रताप साहब तो हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। हिंदुस्तान में बड़े बुजुर्ग मुबारकबाद नहीं आशीर्वाद देते हैं। अरे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो का? जानते हो? अरे वीरेन, अब झटका खाने की तेरी बारी है। अरे तेरा बेटा तो ये बाद में निकला, पहले मेरा होने वाला दामाद बन चुका है। मतलब? मतलब ये कि तेरा बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। का? हाँ ताऊ जी, इन्हीं के लिए तो विक्की भैया ने हमारे दांत जलाए थे। इसका मतलब हमारा बेटा अकेला नहीं आया है, बहू साथ लाया है। अरे बलदेव देख क्या रहे हो, फौरन शैंपेन खुलवाओ, आज तो डबल खुशी का मौका है। उनपे नजर गई है महफिल में बार बार, उनपे नजर गई हमने बचाई लाख, फिर भी उधर गई मैं क्या करूं, दिल क्या करे मैं क्या करूं। महफिल में बार बार उनपे नजर गई, हाँ महफिल में बार बार नजर गई हमने बचाई लाख, फिर भी उधर गई मैं क्या करूं, दिल क्या करे मैं क्या करूं। दिलबर कितने साल में, मेरा दिल खोया है तेरे ही ख्याल में। ना तो मेरा दोष है ना तेरा कसूर है, मुझ पे जो छाया है तेरा ही सुरूर है। आई तू सामने धड़कन ठहर गई, हे आई तू सामने धड़कन ठहर गई, हमने बचाई लाख, फिर भी उधर गई मैं क्या करूं, दिल क्या करे मैं क्या करूं। बोलकर दिल तू चुरा ले गया,
सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा उड़ाने गया। तन्हाई कहती है कुछ भी ना कहना है, बाहों में सोना है, पलकों में रहना है। सांसों को बांधा है सांसों की डोर से, तोड़े ना टूटेगी दुनिया के जोर से। ला 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 ला। दामन में टूट के मैं तो बिखर गई, हाँ दामन में टूट के मैं तो बिखर गई। हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई, मैं क्या करूं दिल क्या करे मैं क्या करूं। महफिल में बार बार उन पे नजर गई, महफिल में बार बार उन पे नजर गई। हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई, मैं क्या करूं दिल क्या करे मैं क्या करूं। डैड हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा तुम हमरे वारिस हो, इसलिए तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने अपने जिंदगी में कहाँ कमाया है और कहाँ छुपाया हूं। आओ। ये रास्ता हमरे उस सीक्रेट जगह की तरफ जाता है जहां का पता किसी और को तो कहा हमरे भाई बलदेव को भी ना ही है। बेटा हम तुमको यहाँ इसलिए लाया हूं ताकि हम तुम्हें अपना बिजनेस का राज बता सकूं। आखिर तुम्ही को तो हमारा बिजनेस संभालना है। आओ आओ बेटे आओ। आज हम बहुत खुश हूं, बहुत खुश। तुमने एक दिन में हमारी सालों की तमन्ना पूरी कर दी। बेटे हर बाप की तमन्ना होती है कि वो अपने बेटे की शादी करे। अरे इसलिए नहीं जी, बल्कि इसलिए कि तुमने उस कमीने प्रताप की बेटी से प्यार करके उस हराम जादे को हमारे कदमों में ला दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? प्रताप साहब तो आपके दोस्त हैं। अरे काहे का दोस्त, वो तो ऐसा दोस्त है जो मौका मिले तो दोस्त का भी गोश्त खा जाए। लेकिन हम भी कम नहीं हूं। वो जादूगर की कहानी सुनी होगी जिसकी जान एक तोता में थी, वैसे ही प्रताप की जान हमरे मुट्ठी में है। मैं समझा नहीं। अरे वही समझाने तो हम तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ठहरो। ये है वो तोता जिसमें प्रताप के सारे काले करतूतों का सबूत दिन और तारीख के साथ लिखा हूं। ये देखो, ये है हमारा तीसरा पार्टनर जसवंत। ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये रहा हमारा चौथा पार्टनर डीके। ये अब इंडिया में रहता है। आपने सही कहा, प्रताप सिंह की जान वाकई आपकी मुट्ठी में है। लेकिन बेटा परेशानी ये है कि सुसरी हमरी जान भी उसकी मुट्ठी में है। हमरी भी ऐसी ही एक फाइल प्रताप के पास है, इसीलिए तो उसे समधी बनाने के लिए तैयार हुआ हूं, ताकि दामाद बनकर तुम उसके पास से हमरी वो फाइल निकाल कर ले आओ। फिर देखना हम कैसे समधी बनकर उस कुत्ते का समाधि बनाता हूं, और फिर अपना सारा बोझ तुम्हारे कंधे पर डालकर चैन की नींद सोऊंगा। वो बेटा ही क्या जो अपने बाप को चैन की नींद ना सुला सके। Thank you.
find out who owns this ship. Good morning, Chachu. Good morning, Bachwa. Good morning, Jojo. Good morning, big brother. Chachu, कल से डैड नजर नहीं आए. अब हम क्या बताएं बचवा, तुम बिलीव नहीं करोगे. सुबह से कितना फोन आ चुका है, कितना इंक्वायरी हुआ है, मगर किसी को कुछ पता होता भी तो बताएंगे ना कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं. हेलो विक्की, कहाँ बोल रहे जी? हाँ हाँ इधर ही है. जाएगा कहाँ? विक्की इधर आओ. अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते. तुम्हारा राज खुल गया है लड़के. राज? कौन सा राज? खुदाई सुन लो. हेलो हेलो, तुम हो? नर्वस आ गए थे ना? क्या आपको याद है आज एक लड़की का बर्थडे है? नहीं तो किस लड़की का है? एक भोली भाली सी लड़की जो एक बुद्धू भुलक्कड़ लड़के के प्यार में फंस गई है. अब वो भुलक्कड़ है तो भूल ही जाएगा ना. ये बात तो लड़की को प्यार करने से पहले ही सोच लेनी थी. उस बेचारी को लव का एक्सपीरियंस नहीं था ना, इसलिए गलती हो गई. अब बताओ वो क्या करे? लड़की को चाहिए भरोसा रखे. मैं उस बुद्धू लड़के को पकड़ कर लाता हूँ. लेकिन वो बुद्धू लड़का उस लड़की को पहचानेगा कैसे? अरे पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस लड़के में बात ही कुछ ऐसी है कि लड़की उसे देखते ही खुद दौड़कर उसके पास चली आएगी. ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़का देखता ही रह जाए और लड़की किसी और के साथ चली जाए. ठीक है तो फिर देखते हैं. हाय. लगता है किसी का दिल जल रहा है. मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है. मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है. गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली. गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली. बैगी बैगी चालों वाली, मस्ती 16 सालों वाली. दीवाना करके गई और रब्बा हो हो हो, और रब्बा हो हो हो, और रब्बा हो हो हो, और रब्बा हो हो हो. लगता है कहीं आग लगी है. फायर ब्रिगेड बुलाऊं? मेरे दिल जिगर से गुजरा है, एक लड़का इधर से गुजरा है. सीधा साधा भोला वाला मुझे तड़पाने वाला, सीधा साधा भोला वाला मुझे तड़पाने वाला. रात को जगाने वाला, ख्वाबों को सजाने वाला. दीवानी करके गया ओ रब्बा हो हो, ओ रब्बा हो हो, ओ रब्बा हो. बिन काजल कजरारी, हाय 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 तेरी बातें लगती है मुझको प्यारी. हे मेरा चैन लुटा है तेरी इन अदाओं ने, तेरे ख्वाब रहते हैं मेरी निगाहों में. अभी अभी आई हो, रुको जरा जाओ ना. कोई देख लेगा यूं मुझे तुम सताओ ना 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 ना, ना.
बचके नजर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है, गोरे गोरे गाल वाली काले काले बालों वाली, गोरे गोरे गालों वाली काले काले बालों वाली, बहकी बहकी चालों वाली मस्ती 16 सालों वाली, दीवाना करके गई और अब्बा हो हो और अब्बा हो हो और अब्बा हो हो और अब्बा हो जाऊं तुम मुझे याद दिलाना। ओ घड़ी तो घड़ी की भी दूरियां सताती है, ओ तुझे रात दिन मेरी धड़कनें बुलाती है, बड़ी प्यास जागी है बड़ी बेकरारी है, बस तेरी तमन्ना है तेरी खुमारी है। हाँ देखो किधर से गुजरा है लड़का, इधर से गुजरा है, सीधा साधा भोला भाला मुझे तड़पाने वाला, सीधा साधा भोला भाला मुझे तड़पाने वाला, रात को जगाने वाला, हवा को सजाने वाला, दीवानी करके गया और अब्बा हो हो और अब्बा हो हो और अब्बा हो हो और अब्बा हो हो। मेरे दिल जिगर से गुजरी है एक लड़की, इधर से गुजरी है, गोरे गोरे गालों वाली काले काले बालों वाली, गोरे गोरे गालों वाली काले काले बालों वाली, बहकी बहकी चालों वाली मस्ती 16 सालों वाली, दीवाना करके गई और अब्बा हो 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 और अब्बा हो 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 और अब्बा हो 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 और अब्बा हो हो हो। हाय हाय भगवान, ये क्या कर दिया तूने, हमार भैया को उठा लिया, किस भी अनाथ बना दिया। What's he saying? His guy for town. चाचू चाचू आप रो क्यों रहे हो, ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? तुम बिलीव नहीं करोगे बचवा, तुम्हारे पिताजी को किसी ने दबका दिया। क्या? अरे दबकाने के बाद लाश मछलियों को खिला दी, कुत्तों को खिलाया होता तो ताऊ जी की हड्डियां तो मिल जाती अंतिम संस्कार के लिए। अब उनका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? The cigarette lighter was found at the murder site. Do any of you recognize it? क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड ये पूछ रहा है कि लाइटर किसका है। अब का नहीं मालूम ये किसका है, हमारा भैया तो। चाचू दिस बिलोंग्स टू माय फादर। तुमने कैसे कह दिया कि ये लाइटर भैया का है, उन्होंने 20 साल से सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था। जानता हूं डैड सिगरेट नहीं पीते थे, ये लाइटर उसका है जिसने उन्हें मारा है। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे कौन है वो, हमका बताऊ का नाम? उसने भैया को मछली को खिलाया था ना, हम उस ससुर को कीड़े मकोड़ों को नहीं खिलाया तो हमारा नाम बलदेव नहीं, हमका पता कौन है वो। याद कीजिए आपने ये लाइटर कहां देखा था। ये लाइटर तो प्रताप का है, रामजादे ने रिश्तेदारी के लिए हाथ बढ़ाकर इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उस बास्टर्ड प्रताप के सीने में सारी गोलियां उतार दूंगा। नहीं, जोश में काम करने वाले या तो मिट्टी के नीचे होते हैं या लकड़ियों के ऊपर, इसलिए जोश से नहीं होश से काम करना होगा। चाचू अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कीजिए, हम एक साथ प्रताप पर अटैक करेंगे। चेक पोस्ट अब कहां करें बचुआ? सारे हथियार छुपा दो,
जोजो, फोन करो। Hide all the weapons. Yes, sir. Hide your weapons. ये सारा केबिन खाली क्यों है? मैं देखता हूं। Well done, boys. Well done. Shabash, Vicky. प्रताप साहब, मैंने वीरेंद्र और उसके सारे साथियों को मारने का अपना वादा पूरा कर दिया। पूरा नहीं, आधा। मेरी वो फाइल कहाँ है जो वीरेंद्र के पास थी? वो भी आपको मिल जाएगी। पहले आप प्रीति का हाथ मेरे हाथ में देने का अपना वादा पूरा कीजिए। बोलिए कब? दुल्हा दुल्हन जब चाहें। चाहे तुम्हारा वादा है वादा हमारा, समझो नजर का इशारा। तुम हमें दिल तो दो, फिर देखो होता है क्या। सोना सोना ये ना होना, दिल तेरा हमें ना मांगता। चाहे तुम्हारा वादा है वादा हमारा। चाहत से तुम ना डरो, जाओ जी रहने भी दो, ए कुछ हमको कहने भी दो। छोड़ दो छेड़ना ऐसे सताओ ना तुम, यूं हमें इश्क में पागल बनाओ ना तुम। लो जी हम चले चले ऐसे ना पड़ो गले, जाने जा सुनो सुनो दे दो मोहब्बत जरा। हाय सोना सोना ये ना होना, दिल तेरा हमें ना मांगता।
राह मेरा मांगता हे हम तो दिल चाहे तुम्हारा वादा है वादा हमारा तुम जोड़ दो जाने दो जाना है घर यूं ना चुराओ नजर ओ तुम हमें चाहते कैसे भरोसा करें प्यार में हम कभी ऐसे ना धोखा करें पीछे क्यों पड़े हो तुम जिद पे क्यों अड़े हो तुम गुस्सा है बुरा सनम लो आशिकी का मजा सोना सोना ये न होना दिल तेरा हमें ना मांगता सोना सोना ये न होना दिल तेरा हमें ना मांगता राइट वही फाइल है यकीन नहीं आता कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना तुम प्रीति से करते हो सिर्फ मेरे कहने पर उससे शादी करने के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया वो मेरा बाप नहीं था क्या वीरेंद्र जैसा कमीना मेरा बाप हो ही नहीं सकता उसे मैंने अपना बाप इसलिए बनाया था ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं अगर वीरेंद्र तुम्हारा बाप नहीं था तो उसने तुम्हें अपना बेटा माना कैसे अपनी बीवी की वजह से परसों पहले उसका बेटा खो गया था मैं उसका खोया हुआ बेटा बनकर उसके सामने पहुंच गया और अपने बेटे की याद में आधी पागल हुई मां को यकीन दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था वाह क्या चाल चली है तुमने एक तीर से कितने शिकार कर लिए वीरेंद्र की दौलत मेरी बेटी और मेरा भरोसा तीनों हासिल कर लिए मैं तुम्हें जितना चालाक समझता था तुम तो उससे भी ज्यादा चालाक निकले हैं आज बाप बनाकर तुमने वीरेंद्र को मारा कल मेरी दौलत हासिल करने के लिए ससुर बनाकर तुम मुझे भी मार दोगे लेकिन माय डियर सन इन लॉ मैं वीरेंद्र की तरह बेवकूफ नहीं हूं फाइल मेरे पास आ चुकी है इसलिए माय डियर फादर इन लॉ आप तो वीरेंद्र से भी ज्यादा बेवकूफ निकले ट्रिगर दबाने से पहले यह तो देख लिया होता कि इसमें गोलियां हैं भी या नहीं अरे जो वीरेंद्र की तिजोरी से आपकी फाइल निकाल सकता है उसके लिए आपकी पिस्तौल से गोली निकालना कौन सी बड़ी बात है अरे बेटा अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार मजाक का रिश्ता जीजा साले का होता है ससुर दामाद का नहीं इसलिए अब एक सीरियस बात सुनिए वीरेंद्र को मैंने आपकी बेटी के लिए नहीं बल्कि टीके के लिए मारा था टीके के लिए हाँ उसने मुझे तीन आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक जसवंत दूसरा वीरेंद्र और तीसरे आप दुआएं दो अपनी बेटी को जिसकी वजह से आप अब तक जिंदा हैं मैंने आप तक पहुंचने के लिए उसे सीढ़ी जरूर बनाया था लेकिन मैं उसे सचमुच इतना प्यार करने लगा हूं कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता विकी कल तक तुमने प्रीति के दिल को जीता था आज मेरे दिल को भी जीत लिया है दिल की बात छोड़िए और दिमाग की बात सुनिए डीके आपको मार के 100% का मालिक बनना चाहता है मैं टीके को मार के आपको 100% का मालिक बना सकता हूं लेकिन डीके का पता मैं जानता हूं आप हिंदुस्तान चलने की तैयारी कीजिए उस कमीने डीके को मारने के लिए मैं हिंदुस्तान तो क्या
कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। अब से कुछ देर पहले मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी, लेकिन आज अपने बाप और विकी की बातें सुनने के बाद मेरा इन सारे रिश्ते नातों पर से विश्वास ही उठ गया है। अगर आप सुनेंगी तो आप तो जीते जी मर जाएंगी। जिसे आप अपना बेटा समझती हैं वो आपका बेटा नहीं है। वो आपका बेटा इसलिए बना ताकि वो आपके पति को मार सके। माँ जी, उसी ने आपके पति का खून किया है, आपको विधवा बनाया है। वो एक धोखेबाज है, कातिल है। मैं जानती हूं विकी मेरा बेटा नहीं है, उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद मैंने धरती माँ के सीने से एक पापी का बोझ हटाने में उसकी मां बनकर उसका साथ दिया। और उसने मेरे पति का खून नहीं किया, एक देशद्रोही को उसके गुनाहों की सजा दी है। बेटी, जो देश के लिए जान देते हैं वो शहीद कहलाते हैं, जो देश के लिए जान लेते हैं वो कातिल नहीं सोल्जर कहलाते हैं। और इस सोल्जर की कहानी इस विदेशी धरती से नहीं, बरसों पहले हिंदुस्तान की रेतीली सरहदों से शुरू हुई थी, जहां मेरे पति और तुम्हारे पिता अपने तीसरे साथी जसवंत के साथ मिलिट्री में सर्विस किया करते थे और वहां के हथियारों को चुराकर अपने डी के नाम के साथी को बेचा करते थे। एक बार विकी के पिता मेजर विजय मल्होत्रा ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए इन गद्दारों ने उनको मार डाला। हथियारों की चोरी का इल्जाम भी उन्हीं पर लगा दिया। हम हथियारों का ट्रक लेकर सरहद के लिए जा रहे थे कि अचानक ट्रक खराब हो गया। मेजर विजय मल्होत्रा ने हम तीनों को मदद लाने के लिए कैंप भेजा। रास्ते में हमने देखा एक सिविलियन ट्रक चला आ रहा था। हमरा माथा ठनका और वापस आकर हम का देखते हैं कि गार्ड सारे मरे पड़े हैं और विजय मल्होत्रा और उनके साथी हथियारों को निकालकर अपने ट्रक में डाल रहे हैं। हमने उनको ललकारा, जवाब में उन्होंने गोली चलाई हम पर। मजबूरी में हमें भी गोलियां चलानी पड़ी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत सुबेदार प्रताप सिंह, नायब सुबेदार वीरेंद्र सिन्हा, सिपाही जसवंत दलाल के आंखों देखे बयान के मुताबिक लेट मेजर विजय मल्होत्रा पर देश की रक्षा के लिए मंगाए हथियार लूटने और हथियारों की रक्षा करने वाले गार्ड्स को कत्ल करने का जुर्म पाया गया। इसलिए आर्मी सजा के तौर पर इनकी तमाम सर्विस टर्मिनेट करती है और सर्विस के दौरान दिए गए तमाम मेडल, टाइटल्स और तमगे लेकर देश का गद्दार करार दिया जाता है। नहीं, नहीं, रिमूव द डेकोरेशंस। नहीं, ये गद्दार नहीं, 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 मत छीनो मेडल्स, मत छीनो, हट जाओ, मत छीनो, हट जाओ, मत छीनो, नहीं, सर, सर, आप तो जानते हैं सर, ये देश को कितना प्यार करते थे, फिर आपके सामने ये मेडल्स क्यों छीन रहे लोग? ये गद्दार नहीं है सर, ये तो शहीद है सर, ये तो शहीद है सर, ये तो देश के लिए शहीद हो गए हैं सर। हम लाश को नहीं जलाने देंगे, लाश को नहीं जलाने देंगे। हम अपने गांव की पवित्र जमीन पर किसी गद्दार की चिता नहीं जलने देंगे। खबरदार, इस चिता को हाथ मत लगाना। फेंक दो इस लाश को, फेंक दो इस लाश को। Thank you.
उस शहीद को तो धरती माँ ने अपनी गोद में ले लिया, लेकिन उसके बाद भी इन गद्दारों के बुरे इरादे खत्म नहीं हुए। उन्होंने विकी की माँ के माथे पर बदनामी का दाग लगाकर माँ बेटी को बस्ती के बाहर निकलवा दिया। बहन, मैं आपको और राजू को ले जाने आई हूं। हम कहीं दूर जाकर रह लेंगे। नहीं, अगर मैं यहां से चले गए तो उनकी आत्मा ये कहेगी कि औरों की तरह मैं भी उन्हें गद्दार मानकर छोड़कर चली गई। हो सके तो राजू को यहां से ले जाओ। लेकिन बहन, ये आपके बगैर कैसे रहेगा? मेरे बगैर रहने में इसकी भलाई है। ये माँ को भूल कर जी सकता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे बाप की याद दिला दिला कर मार डालेंगे। इसे ले जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। तुम मुझसे अलग होकर रह लोगी? नहीं बेटे, नहीं। तुम मुझसे अलग कहाँ हो रहा है? तू तो हर पल हर सांस में मेरे साथ है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। और उस दिन से लेकर आज तक न कभी उस माँ ने अपने इस बेटे को देखा, न कभी इस बेटे ने अपनी उस माँ को। रेगिस्तान की तपती रेत में 20 साल से वो देवी आज भी लोगों की नफरत और अपमानों को सहती हुई उसी मंदिर में बैठी है। क्या बात है बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने आप को मुझे विधवा बनाने के लिए गुनहगार समझ रहा है? मैंने तो अपने आप को उसी दिन विधवा मान लिया था बेटे, जिस दिन मेरे पति के बेचे हुए बारूद से स्कूल में पढ़ते मासूम बच्चों के साथ मेरा अपना बेटा भी मारा गया था। अरे जो इंसान हजारों सुहागनों के सिंदूर को मिटाने का और मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो, उसके नाम का सिंदूर मैं तो क्या? कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपनी मांग में कभी नहीं सजाएगी, कभी नहीं सजाएगी। मुझे तो तुझ पर फख्र है बेटे कि जो सर मेरे पति की वजह से दुनिया के सामने झुक गया था वो आज तेरी वजह से फिर उठ गया। कहते हैं कि इंसान को भगवान की दी सौगात में सबसे कीमती सौगात मां होती है। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे दो माएं मिली हैं। I'm sorry, Vicky. प्रीति, तुमने जो किया अनजाने में किया, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं उसे जानकर तुम मुझसे प्यार नहीं नफरत करोगी। मेरे दुश्मनों में सबसे ऊपर तुम्हारे पिता का नाम है। अगर एक पत्नी इंसानियत के लिए अपने पति के खिलाफ तुम्हारा साथ दे सकती है तो एक बेटी भी इंसानियत के लिए अपने पिता के खिलाफ जा सकती है। हेलो, मैं राज बोल रहा हूं। राज, तुमने फोन क्यों किया? जो कुछ भी कहना है फैक्स करो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। कल मैं प्रताप को लेकर बाड़मेर आ रहा हूं। मेरा यहां का काम पूरा हो चुका है, अब वहां आकर मुझे सिर्फ एक काम करना है, टीके को बेनकाब करना।
जसवंत। कहिए एसपी साहब, मेरे आदमी ने नकली गोली से बेहोश करके तुम्हें मारने का जो ड्रामा किया उससे मेरा प्लान कामयाब हो गया। तो मुझे यहां कब तक रहना पड़ेगा? अब तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देते रहे उससे मेरे आदमी ने वीरेंद्र और उसके साथियों को खत्म कर दिया, और कल प्रताप को लेकर वो बाड़मेर आ रहा है, इसलिए अब तुम आजाद हो। हाँ? हाँ? इतनी अजीब बात है, कहानी जहां से शुरू हुई आज वहीं खत्म होने वाली है। लगता है आप इस जगह से वाकिफ हैं। अब तुमसे क्या छुपाना, यही वो जगह है जहां से हमारा बिजनेस शुरू हुआ, और यही वो जगह है जहां मौत हम तीनों को छूकर चली गई। कैसे? था एक हराम ज्यादा मेजर विजय मल्होत्रा, साला अपने आप को देश का रखवाला समझता था। उसने हमें पकड़ लिया, अगर वक्त पर डीके नहीं पहुंचता तो वो हम तीनों को खत्म कर देता। बहुत ताकत थी उस कुत्ते में, लेकिन किस्मत हमारे साथ थी। हमने भी उस हरामजादे को ऐसी मौत दी कि वो एक मिसाल बनकर रह गई। क्या किया था आपने? देशभक्त को देशद्रोही साबित किया था। सुअर के बच्चे की लाश तक नहीं जलने दी हमने। आज भी कुछ लाशें गिरेंगी जिनकी चिता नहीं चलेगी। यस, डीके और उसके साथियों की। गाड़ी क्यों रोक दी? इस मंदिर में एक देवी पिछले 20 सालों से बैठी है। सुना है जो उसके दर्शन कर ले उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आइए दर्शन कर ले। दर्शन तो हम जरूर करेंगे, ताकि डीके की लाश के दर्शन भी जल्दी हो जाएं। बीस साल से अपने लिए घृणा और तिरस्कार भरी आंखें तो मैंने रोज देखी है, लेकिन आज वो भरी आंखें तुम पहली बार देख रही हो राजू। राजू बीस साल तक अपने से दूर रखा, अब माँ होकर भी तुझे माँ का
प्यार नहीं दे सकी। मुझे मुझे माफ कर देना राजू, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, तुम मुझसे दूर नहीं थी। ये देख देख, तेरे चरणों की धूल हमेशा तेरा आशीर्वाद बनकर मेरे साथ रही। माँ, अब तेरी प्रतीक्षा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। देख देख, मैं यहां किसे लाया हूं। तुम मां बेटे इस गांव में नहीं रह सकते। ये यहां से ऐसे नहीं जाने वाली। इसके माथे पर एक ऐसा दाग लगाना होगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। मैं इसी देवी का बेटा हूं। ये वही देवी है जिसके माथे पर सिंदूर की जगह तुम लोगों ने बदनामी का दाग लगाया था। मैं उसी विजय मल्होत्रा का बेटा हूं जो शहीद होकर भी तुम लोगों की वजह से देशद्रोही कहलाया। जानता है मैं तुझे यहां क्यों लाया? ताकि जिस धरती पर धरती की सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई, इंसाफ भी उसी धरती पर हो। और सालों से इंसाफ के लिए इस वीराने में तपस्या करती मेरी मां आज अपनी आंखों से इंसाफ होता देखे। इंसान मर जाते हैं प्रताप सिंह, मगर आवाजें कभी नहीं मरती। सुन 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 सुन, गौर से सुन, इस रेत में मेरे बाप के तड़पने की आवाज सुन सुन सुन। सुन, अपने बाप के लिए एक बच्चे का रोना बिलखना सुन। तूफान में अपने पति को ढूंढती एक माँ की चीख सुन सुन, गौर से सुन मेरी माँ की चीख है सुन सुन सुन। ठीक है नहीं, जसवंत निकाल। जसवंत, मैं तुझे बहुत पहले ही पहचान गया था। जसवंत, तू यहां आया नहीं, लाया गया है। राजू के प्लान के मुताबिक मैंने तुझे प्रताप के आने की खबर दी, जानबूझकर तुझे छोड़ा, क्योंकि हम जानते थे अपने बिजनेस के लिए तू इसे बचाने यहां जरूर आएगा। और क्योंकि जसवंत को कानून की माफी मिल चुकी है, तू ये काम जसवंत बनकर नहीं बल्कि टीके बनकर करेगा। दुगने हिस्से के लिए तू अपने साथियों को धोखा दे सकता है, जसवंत हमको नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। अपने आदमियों को बचाने के लिए जसवंत अकेला आएगा।
मुझे चीखे सुन मारा था, है? मुझे चीखे सुन मारा था, चीख, तू चीख, अब तू चीख। ये कमीना मेजर विजय मल्होत्रा का बेटा है। इसका बाप मर के यहां दफन हुआ था। इसे जिंदा गाड़ दो। Oh.
हमें मत मारना, हमें माफ कर दो। राजू मैं तेरा ससुर हूँ बेटा, क्या तू अपने ससुर को मारेगा? नहीं नहीं राजू नहीं। मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। कितना कितना रहम दिल है, आखिर आखिर मेरा मेरा दामाद है। ऊपर देखो। नहीं, अरे ये गीत तो हमें नोच नोच कर जिंदा खा जाएंगे। राजू 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 तू मैं गोली से मार दे। राजू गोली से मार दे मुझे, जान से मार डाल, भगवान के वास्ता है तुझे। मैंने कसम खाई थी कि तुम लोगों को ना चिता की आग मिलेगी ना धरती माँ की गोद। नहीं राजू नहीं, नहीं, नहीं राजू। राजू मैंने तेरे देशभक्त बाप के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, संगीनों से गोद गोद के मारा था, असली गद्दार तो हमें। जल्दी रिवॉल्वर निकाल और मार डाल मुझे। अरे तू तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, मारता क्यों नहीं? अरे गांव वालों, हम सारे जुर्म कबूल करते हैं, इनकी दो से हमें बचा लो, हम चल भी नहीं सकते, हमें मार डालो। अरे रुक जा, कहाँ जा रहे तू? अरे तेरी देवी जैसी माँ के माथे पर मैंने लिखा था कि उसका पति देशद्रोही है। अरे तू भी मेरे माथे पर गोलियों से लिख दे कि मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, सुअर हूँ। रुक जाओ, हमें छोड़ो, रुक जाओ।